सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये है नोकिया का TA1017, नोकिया 130, ठीक है ना। इसमें अगर आपके डिस्प्ले के ट्रैक ख़राब हो गए हैं, ठीक है ना, डिस्प्ले के ट्रैक बिल्कुल ख़राब है, कहीं से कोई ट्रैक मिस है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबा रखा है घंटे को तो घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दोस्तों आपने प्रिंट देख रही है आपको कम्प्लीटली, ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये 12 प्रिंट है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट वाली को आपको छोड़ देना है, ये ग्राउंड है, फिर 4 नंबर ग्राउंड है, फिर 9 नंबर ग्राउंड है, फिर लास्ट वाली भी ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो सेकेंड से आपको एग्जाम्पल लेना है यहाँ से, ठीक है ना, सेकेंड यहाँ से एग्जाम्पल लेना है। मैं हालाँकि इसका डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो सेकंड से आपको जंपर लेना है यहाँ से। डिस्प्ले देख लीजिए किस तरफ से, मैं आपको एक नंबर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ से दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ से एक जंपर लेना है आपको सेकंड से, जैसे कि सेकंड से आपको जंपर लेना है, और बोर्ड को जस्ट उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाओगे तो ये सिम कार्ड के नीचे देख रहे हैं ये डॉट बने हुए हैं, इसके इस डॉट पर यहाँ पर लगा देना है 2 का, ठीक है ना। ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है, देखो यहाँ पे हल्का सा आपको ब्लैक दिख रखा होगा, ये वाला यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना, और फिर उल्टा घुमाना है आपको। और इसमें से थर्ड तीसरी प्रिंट का आपको एक जंपर लेना है यहाँ से, और आपको फिर से उल्टा घुमाना है, और तीसरी प्रिंट का आपको जंपर लगा देना है। दोस्तों थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये सिम कार्ड के कनेक्टर हैं अपने, ठीक है, इसके नीचे के साइड में देखेंगे, देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट है ये, ठीक है, ब्लैक कलर का कंपोनेंट है, इसके इस साइड में यहाँ पे लगा देना आपको। भले इस साइड में लगाओगे भले इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से किसी भी एक तरफ लगा सकते हो, 3 नंबर वाली प्रिंट का, ठीक है ना। 4 का बिल्कुल आपको बता दे रहा हूँ, उल्टा घुमाना है इसको, फोर तो आपको ग्राउंड दे देना है, ठीक है ना, इसको ग्राउंड दे देना, ये तो वैसे ग्राउंड ही होता है, ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 5 का आपको यहाँ से एक जंपर लेना है, और बोर्ड को उल्टा घुमाना है, तो वही 5 नंबर का आपको जो मैंने आपको बताया है, 5 का, थोड़ा जूमिंग कम कर देता हूँ, प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, ये देख रहा हूँ, मैंने आपको 3 नंबर का इस पर बताया था, ठीक है ना। तो 5 नंबर का इस पे लगाना है ये वाला कंपोनेंट इसके, लेकिन इस साइड में यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, 5 नंबर का बराबर ध्यान रखना है, इस साइड में नहीं लगाना, इस साइड में शायद ये ग्राउंड है, तो इस साइड में आपको लगा देना है, ठीक है ना। दोस्तों जैसे कि 6 का यहाँ से लेना आपको वापस, ठीक है ना, 6 का आपको यहीं से लेना है, छठी प्रिंट का वो, ठीक है दोस्तों। इसमें छठी पिन से आपको लेना है, यहाँ से आप गिन लेना छठी पिन कौन सी है, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप यहाँ से मैंने शुरू किया था एक, जैसे छठी पिन से यहाँ से लेना है आपको, और वैसे उल्टा घुमाना है, छठी पिन का आपको लगा देना है। ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है ना आपको, ये लास्ट में ब्लैक कलर का, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं, लेकिन जूम से क्या थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आता है, फिर अब क्लियर नज़र आया। ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट एकदम नीचे के साइड में लग रहा है ना, उसका 6 नंबर वाला जो आप वहाँ से लोगे ना, वो यहाँ पे लगा देना है आपके, ठीक है ना, इस साइड में यहाँ पे लगा देना 6 नंबर की प्रिंट का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही 7 नंबर का आपको यहीं से लेना है, आपको प्रिंट है आपको गिननी है, ठीक है ना। मैं वैसे तो आपको मेरे ब्लॉग पे आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन आपको गिननी है, ठीक है। 7 नंबर का आपको यहाँ से लेना है, और बैक साइड में वही घुमाना आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब प्रिंट नहीं बताऊँगा शायद आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 7 नंबर का है जो आपको लगाना है, ये देख रहे हो अपने ऊपर के साइड में सिमें लग रही है, ठीक है ना, सिम के स्लॉट है, और आपको यहाँ पे लगा देना है इस वाले का। 7 नंबर का है, इस कंपोनेंट के इस साइड में यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना,
यहाँ पे ब्लैक कलर वाले ऊपर वाले पे लगाना, नीचे वाले पे मत लगाना, ऊपर वाले पे लगाना यहाँ पे, ठीक है ना। और 8 नंबर का बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं, जो 8 नंबर का है वो 8 नंबर का आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, इसके अंदर वाली साइड में मारना है, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे मारना है, ठीक है ना, इस सेकंड वाले कंपाउंड पे इस साइड में मारना है, ठीक है ना। यहाँ पे मारना आपको 8 नंबर का। दोस्तों 10 का है, 10 का आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, इसके इस साइड में यहाँ पे लगा देंगे, इस वाले कंपाउंड पे लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेरी चिमटी टच हो रही है, मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा देना 10 का। और 11 का है वो ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर वाला, इसके इस साइड में लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा देना, सॉरी, यहाँ पे लगा देना। तो बिल्कुल ये 10 और ये 11, तो बिल्कुल आपका डिस्प्ले काम करने लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया, और डायग्राम चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पे जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है इसलिए प्लीज़ लाइक करने को।